हेलो फ्रेंड्स, आज की बात आपके लिए। हमेशा हमारे मन में एक चीज आती है कि हम पढ़ाई में हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी टालने की आदत होती है और स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ये आदत होती है पढ़ाई को लेकर। कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा, और कल कभी भी नहीं आ पाता, जिसकी वजह से दोस्तों सिर्फ एक दो दिन या एक साल या दो साल नहीं, शायद हमारी पूरी उम्र निकल जाती है और हम किसी भी सरकारी नौकरी की सिर्फ तैयारी ही करते रह जाते हैं, क्योंकि हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और बस कल से पढ़ते ही रह जाते हैं, कल कभी नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको आज दो एग्जांपल समझाता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि हम कल से पढ़ेंगे, हमारे अंदर एक टालने की भावना होती है, हम हमेशा अपने काम को टालते हैं, और ज्यादातर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई को वो हमेशा टालते हैं। हम में से 90% स्टूडेंट हमेशा अपनी पढ़ाई को टालते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और कल कभी नहीं आ पाता है। लेकिन दोस्तों वो पढ़ते हैं, लेकिन कब? जब कल हमारा एग्जाम आ जाता है तो फिर हम आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब हमारे साथ डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाती है कि या तो अब करना है या मरना है, तब हम पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका है और तब हम सोचते हैं कि यार काश हमने पहले से पढ़ लिया होता। दोस्तों अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमें इस आदत को सुधारना है, इस टालने की आदत को सुधारना है, तो क्या करना चाहिए? यदि मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों को आज 5 घंटा पढ़ना है, आप में से 90% लोग शायद नहीं पढ़ पाएंगे या पढ़ेंगे नहीं, 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे। हमने मान तो लिया अपने मन में कि मुझे आज 5 घंटा पढ़ना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम डाइवर्ट हो जाएंगे और हम 5 घंटा नहीं पढ़ सकते, हम छोड़ देंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपको 5 घंटा पढ़ना है और 5 घंटा जो भी मुझे पढ़ के दिखाएगा मैं उसको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, दोस्तों आप में से 90% क्या 100% स्टूडेंट्स 10 घंटा पढ़ के दिखाएंगे 5 घंटे के अलावा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक लालच आया, हमारे सामने एक टारगेट दिख रहा है हमको 10 लाख का। हमने वो पढ़ाई अपने लिए नहीं, हमने वो पढ़ाई सामने उस 10 लाख के टारगेट के लिए करी, और हम 5 घंटे नहीं, हम 10 घंटे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो भी स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं कल से पढ़ूंगा, उसका टारगेट क्लियर नहीं है, उसके पास कोई विजन नहीं है कि वो कल से क्यों पढ़ेगा। और जो भी स्टूडेंट बोलता है कि मैं आज से पढ़ूंगा और वो आज से ही पढ़ता है, इसका मतलब उसके पास दोस्तों टारगेट है, उसके पास टारगेट है। इसलिए यदि आप भी बार बार ये बोलते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, इसका मतलब आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास विजन नहीं है। तो फिर टारगेट क्या बनाए? 10 लाख तो कोई देगा नहीं 5 घंटे पढ़ने का। दोस्तों टारगेट थोड़ा बड़ा बनाओ, टारगेट है हमारी सक्सेस का, टारगेट है हमारी नौकरी का। और अगर हम नौकरी का टारगेट बनाते हैं, और अगर टारगेट आपको पता है कि अगर मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा तो मुझे ये नौकरी मिलेगी, आप पक्का आज से 5 घंटे या 10 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नौकरी मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी ये काम करते थे और अपनी पढ़ाई को टालते थे, तो अब से पढ़ाई को टालना भूल जाइए। टालिए किसको? अपने इस टालने की आदत को टाल दीजिए, बट कोशिश करिए अपने विजन को क्लियर करें, अपना टारगेट क्लियर करें, अपना एम सेट करें, और आज से ही पढ़ना शुरू करें, चाहे जैसी भी कंडीशंस हो। अगर आपने मान लिया कि मुझे आज ये काम करना है, तो उसके पीछे एक टारगेट रखो कि क्यों करना है, और वो काम आज ही निपटाइए। दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।